छत्तीसगढ़ से एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। बीते दिनों की अपेक्षा में यहां कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों में 133 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3083 हो गई है। वहीं कोमॉर्बिडिटी के साथ एक मरीज की मौत भी हुई है, साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी 10.98% है। मरीजों की कम संख्या प्रदेश के लिए राहत देने वाली खबर है, लेकिन इस लिहाज से टेस्टिंग की संख्या भी कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1211 लोगों की जांच बीते 24 घंटे में की गई, जिसमें 133 मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले के एक मरीज की मौत कोरोना संक्रमण और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से हुई। प्रदेश के 16 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बाकी जिलों से कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा 28 मरीज बलौदाबाजार जिले में मिले हैं। बीजापुर में 27 मरीजों की पुष्टि हुई है, बिलासपुर में 23, दंतेवाड़ा में 9, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा और दुर्ग जिले से 6-6 मरीज मिले हैं, जबकि सूरजपुर में 4, राजनांदगांव में 3, कोरबा में भी 3, बालोद और महासमुंद में 2-2 मरीज और कांकेर और धमतरी में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। बीते दिनों सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर अधिकारियों के विभाग द्वारा लगातार टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर जोर देने की बात कही गई थी। अब देखना होगा कि सोमवार को भी लगातार दूसरे दिन क्या मरीजों की संख्या में गिरावट आती है या टेस्टिंग बढ़ने से एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।